नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मदरवास में कुछ लोगों द्वारा गांव के प्रधान के घर में घुसकर गाली गलौज करने व धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने पुलिस व उपजिलाधिकारी से की है। ग्राम मदरवासा निवासी सरोज बरार पत्नी लखन बरार ने उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को पत्र देते हुए बताया कि 17 दिसंबर की रात 8 बजे वे अपने घर के अंदर खाना बना रही थी। तभी गांव के कुछ दबंग लोग मेरे पति को बुलाने लगे तो मैंने दरवाजे खोले तो गांव के ही 3 लोग घर के अंदर घुस गए और उसके साथ अभद्रता एवं मारपीट करने लगे। जब शोर सुनकर उसकी भांजी नीचे आई तो लोगों ने उसकी भांजी पर भी मारपीट कर दी और पति को पूछने लगे व उसे जान से मारने की धमकी देते हुए छत पर चढ़ गए और छत पर पति की भी मारपीट कर दी और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। शोर करने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उनमें से एक युवक को घर के अंदर पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर आरोपियों में से पकड़े गए युवक को पुलिस को सौंप दिया गया। प्रार्थना पत्र में पुलिस पर पैसे लेकर आरोपी को छोड़े जाने का आरोप लगाया गया है। दिए गए प्रार्थना पत्र में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। मऊरानीपुर से जगदीश की रिपोर्ट। मैं खाना बना रही थी पर मेरा पति खाना खा रहा था। मैं राहुल जितेन घनेल पस्तो तीन लोग गाड़ी से आए, फाटा खोले, कुंदी खाना खाना, इसमें कि कौन कौन बोले भाई पति का जान से मारना है। तो मैंने फाटक भी खोले, आए बोले तेरा पति कहाँ पर है। मैंने कहा मेरे पति घर पर नहीं है। तो मुझे गाली माली देने लगे, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगे और मेरा माने फिर ऊपर चढ़ गया, मुझे धक्का देकर। हरीश चंद गाँव से आया, मंदरवास से। क्या घटना हुई है? ये राहुल यादव, घनेन्द्र यादव और जितेंद्र यादव गांव के दबंग व्यक्ति हैं। ये चुनावी रंजिश के चलते हुए जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम दलित प्रधान हैं इसलिए ये लोग घर में घुसे और जान से मारने की कोशिश की। कितने बजे की घटना है ये? 17 तारीख को रात्रि 8 बजे की। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी मैं उप जिला अधिकारी मऊरानीपुर के पास ज्ञापन देने आया हूँ।